हेलो स्टूडेंट्स, एनसीईआरटी सॉल्यूशंस क्लास 12 फिजिक्स चैप्टर इज इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स। क्वेश्चन नंबर 4 ए पार्ट, एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ द स्टेटमेंट इलेक्ट्रिक चार्ज ऑफ ए बॉडी इज क्वांटाइज्ड। बी पार्ट, व्हाई कैन वन इग्नोर क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज व्हेन डीलिंग विद मैक्रोस्कोपिक दैट इज लार्ज स्केल चार्जेस। हमें इस पार्ट के अंदर, फर्स्ट पार्ट के अंदर एक्सप्लेन करना है कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस इलेक्ट्रिक चार्ज ऑफ ए बॉडी इज क्वांटाइज्ड। इलेक्ट्रिक चार्ज ऑफ ए बॉडी इज क्वांटाइज्ड, इसका मीनिंग हम लिखते हैं, देखिए, अकॉर्डिंग टू क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज द टोटल चार्ज ऑन ए बॉडी इज ऑलवेज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ ए बेसिक चार्ज E which is the charge on an electron. Therefore, this Q is equal to plus minus any where this N is equal to 0, 1, 2, 3 and so on, and small E is equal to 1.6 into 10 to the power minus 19 coulomb. अकॉर्डिंग टू क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है, किसी भी बॉडी पर चार्ज ऑलवेज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ बेसिक चार्ज, जो इलेक्ट्रॉन पर चार्ज होता है उसका दैट इज बेसिक चार्ज, उसका इंटीग्रल मल्टीपल, किसी भी बॉडी पर उस इलेक्ट्रॉन के चार्ज का इंटीग्रल मल्टीपल चार्ज एग्जिस्ट कर सकता है, दैट इज क्यू इज इक्वल टू प्लस माइनस एनी एंड दिस हेयर एन इज इक्वल टू 0, 1, 2, 3 एंड सो ऑन, एंड this E is the charge on electron which is equal to 1.6 into 10 to the power minus 19 coulomb. Now B part is, why can one ignore quantization of electric charge when dealing with macroscopic, that is large scale charges. Here, while dealing with macroscopic charges, that is Q is equal to NE, macroscopic charges Q is equal to NE, we can ignore quantization of electric charge this is because E is very small and N is very large, and so Q behaves as if it were
continuous, that is, as if a large amount of charge is flowing continuously. क्या मतलब? While dealing with the macroscopic charges, charge of large amount में लेते हैं तो ignore, we can ignore the quantization. इस प्रिंसिपल को हम इग्नोर करते हैं, q is equal to na को. क्यों करते हैं? क्योंकि यहाँ पर जो e है, this e value of charge on the electron is very very small, and here this n is very large. E तो हमारा वेरी स्मॉल है, इलेक्ट्रॉन का चार्ज तो वेरी स्मॉल, और n इज वेरी लार्ज. n वेरी लार्ज होगा जब ही हमारा q ज्यादा हो सकता है. n इज वेरी लार्ज एंड सो q बिहेव्स एज इट वर कंटिन्यूस. मतलब जो चार्ज है बॉडी पर वो ऐसे इस तरह से बिहेव करता है कि जैसे कि वो कंटिन्यूस हो. एंड एज इफ लार्ज अमाउंट ऑफ चार्ज ऑन द बॉडी इज फ्लोइंग कंटिन्यूसली, और इस तरह से बिहेव करता है कि वो चार्ज बॉडी पर कंटिन्यूसली फ्लो करता है. ठीक है, तो दिस इज द आंसर ऑफ दिस प्रॉब्लम. थैंक यू.